नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिज मंसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं शुक्रवार के उपाय की। आज का उपाय आपको बहुत ही परमात्मा के करीब ले जाएगा, आपको बहुत सुख देगा। आज 1 मई का उपाय है, महीने का पहला दिन है, और पहले दिन का जो उपाय होता है बहुत अच्छे ढंग से यदि किया जाए तो पूरा महीना लाभ मिलता है। और वैसे भी जो आज का जिस तरह से राशि और गोचर और नक्षत्र है, यह आपको पूरा महीना लाभ देगा, इसलिए आज का उपाय अवश्य कीजिएगा। दही, आटा, चीनी, चावल, चने की दाल, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लीजिए और इनको आपने किसी को दान देना है। इन सब चीज़ों को आपने किसी को दान देना है, इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। और मैं आपको फिर बताने वाला हूँ कि 1 महीना पूरा आपको लाभ मिलेगा। ये कैसे करना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये दान कैसे करना है। आप जानते हैं कि कोरोना की महामारी फैली हुई है, चारों तरफ बहुत ही नुकसान हो रहा है, और हमें इस समय में दूसरों की मदद अधिक से अधिक करनी चाहिए ताकि हम अपने परमात्मा के करीब जा सकें, हम परमात्मा की पॉजिटिव वाइब्रेशन ले सकें और हम परमात्मा के साथ जुड़ सकें। क्योंकि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम दूसरों के नज़दीक जाते हैं यानी किसी की ज़रूरत पूरी करते हैं, किसी के आंसू पोंछते हैं, तो परमात्मा के करीब जाते हैं। तो वैसे भी ग्रह जो हैं इस समय जिस प्रकार के ग्रह हैं वो इस प्रकार के हैं कि जब आप किसी का भी भला करेंगे तो ग्रह चाल आपको बहुत अधिक शक्ति देगा। इस समय ग्रह ही ऐसे हैं, तो एक तो ग्रह ऐसे हैं, एक समय ऐसा है, तो हमें इस समय में अधिक से अधिक दान देना चाहिए। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इन सभी वस्तुओं को आप निकाल लीजिए और इन सभी वस्तुओं को एक थाली में रख लीजिए। अलग अलग निकाल कर एक थाल में रख कर अपने दोनों हाथों में पकड़ कर आप परमात्मा के समक्ष खड़े हो जाइए। फिर वहाँ पर किसी पवित्र स्थान पर रख कर अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले गए, थोड़ा सा जल लीजिए और फिर परमात्मा के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैं प्रण करती हूँ या करता हूँ कि मैं ये दान गरीबों को दिल से दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और दुआ करती हूँ कि जो गरीब इन अन्न जल को खाए वो सुखी रहे और वह जल जमीन पर गिरा दे। ये एक तरह से पवित्र प्रण होगा। इस एक प्रण को करने से आप में बहुत अधिक शक्ति का आगाज होगा और आप ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और पूरा महीना आपको लाभ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ये मेरा आपको एक मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि पूरा महीना आपको लाभ मिलेगा। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपका कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप करेंगे, जन्म कुंडली की जो फीस है वो आपको बता दी जाएगी। आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जन्म कुंडली में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्म कुंडली में योग होते हैं, जन्म कुंडली के उपाय अलग होते हैं, वो हमारे पर्सनल उपाय होते हैं जो हमारी सभी समस्याओं को दूर करते हैं। तो जन्म कुंडली अपनी ज़िंदगी में अवश्य समय समय पर दिखाते रहना चाहिए, यानी करीब 5 महीने बाद जन्म कुंडली दिखाते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहों के अनुसार यदि हम चलें तो हमें लाभ मिलता है। अब किसी की कुंडली में बृहस्पति हैं और कहते हैं दान करो तो बहुत लाभ मिलेगा, और वह व्यक्ति दान नहीं करता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। परंतु यदि जन्म कुंडली दिखाकर वह समय समय पर दान करता रहता है तो ज़िंदगी में तेज़ी से आगे बढ़ता है, इसलिए समय समय पर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाते रहिए। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।